हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज अरुण और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन फर्स्टली, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, मुझे पहली बार देखा है, तो मेरा नाम अरुण है, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ और यहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर्स इन आईटी फील्ड। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरी यूट्यूब चैनल चेक करें, काफ़ी वीडियोस है रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा, रिलेटेड न्यूजीलैंड, जो काफ़ी लोगों को आई गेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे कहीं मैं इंस्टाग्राम का मेरा आईडी मेंशन कर रहा हूँ, मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियोस रखता हूँ डे टू डे लाइफ के, जो हेल्पफुल होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और ज़्यादा वीडियोस वहाँ पे होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जैसे वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, और जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करता है, कि आई गॉट माई फील्ड जॉब वाइल स्टडिंग इन न्यूजीलैंड। ये काफ़ी बड़ी बात है। जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो समझ सकता है कि अभी न्यूजीलैंड का जो भाई जॉब मार्केट है ना, वो बहुत ही ख़राब है। पार्ट टाइम जॉब मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं इतने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको 2 महीना 3 महीना हो गया न्यूजीलैंड में जॉब नहीं मिल रही है। तो जॉब के बारे में तो एक, अगर आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको एक चाहिए सेपरेट वीडियो, तो मैं कोशिश करूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ये 1.25 साल का, वो पूरा कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन ये वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि कैसे मुझे मेरी आईटी की फील्ड जॉब मिली, जबकि मेरी स्टडी कंप्लीट भी नहीं हुई है। फील्ड की जॉब यूजुअली हम देखना शुरू करते हैं जब अपनी स्टडी कंप्लीट होती है। तो जब मैं न्यूजीलैंड में आया ना, तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले मैं दो चीज़ें बताता हूँ कि अगर आपको जॉब ढूंढनी है ना, तो दो प्लेटफॉर्म है, एक है सिक वेबसाइट sik.co.nz और दूसरी है ट्रेडमी। तो इन दो वेबसाइट्स पे मेजरली सब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जॉब पोस्ट करते हैं। तो आईटी एक ऐसी फील्ड है ना, जो आईटी से है वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि आईटी एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें पार्ट टाइम की वैकेंसीज बहुत ही कम निकलती है, समझ लो ना के बराबर निकलती है। आईटी में हर एक एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस होती है कि वो अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करे तो फुल टाइम पे हायर करे, ना कि पार्ट टाइम पे। लेकिन स्टिल मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर 0. something भी परसेंटेज चांसेस है ना, तो अपने को वो चांसेस लेना है। तो जब से मैं न्यूजीलैंड में आया, मेंशन कर दूँ टू बी प्रिसाइज, लास्ट ईयर में जनवरी में आया था न्यूजीलैंड, तब से कंटिन्यूसली मेरा एक जो रूटीन है ना, वो रूटीन रहा है कि मैं तो एक साल में मैं हर रोज़ चेक करता हूँ, लेकिन चेक करते करते एक साल में मेरे को सिर्फ 3 पार्ट टाइम आईटी की वैकेंसीज दिखी, जिसमें से 2 को मैंने अप्लाई किया था, 2 का रिजेक्ट हो गया था, और तीसरी में फाइनली फिर प्रोसेस लंबा चला और आई गॉट दैट जॉब। मेरा जो टाइटल है ना, जॉब टाइटल, वो है टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, जो आईटी से रिलेटेड है। मैंने वो सारा चेक किया है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है वगैरह। तो आप हर रोज़ चेक करना रखिए, वो एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि कभी ना ऐसे, इसको लक बोलते हैं ना, लक। तो कभी अगर लक से आपको जो आपकी फील्ड की जॉब है ना, अगर वो मिल जाए, अप्लाई करो भाई। अप्लाई करने में क्या जाएगा, वो फ्री है। आप जितने भी प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी आपकी फील्ड के रिलेटेड जॉब है, मोस्टली जो ओपन वर्क वीज़ा पे है, यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे है, जो कहीं भी फुल टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए तो भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर इस जॉब के बारे में बात करूँ ना मैं, तो मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे टेलीफोनिक इंटरव्यू का कॉल आया, तो वो कॉल अच्छे से गया, फिर इन पर्सन इंटरव्यू हुआ। रफली 1 घंटा इंटरव्यू चला था, 1 घंटे में पूरे, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस, बैकग्राउंड क्वेश्चंस, एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था, कैसे करोगे, क्या एक्सपीरियंस है, तो वो सारा कुछ होते होते फिर फाइनली बैकग्राउंड चेक होता है। हाँ, अगर कोई अच्छी सी, मतलब ऐसी जॉब में आप अप्लाई करते हो ना, तो आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है, वैसा भी उसे बैकग्राउंड चेक बोलते हैं, तो वो हुआ था। और फाइनली फिर मुझे वो जॉब मिली, और फील्ड जॉब है, फिलहाल पार्ट टाइम है। लेकिन एक चीज़ मैं जो सजेशन आपको देना चाहता हूँ, कि क्यों फील्ड जॉब इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक कॉरपोरेट जॉब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इस इंटरव्यू में भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको क्यों हायर करें।
और ये हर एक इंसान के साथ होता है जब वो फील्ड जॉब के लिए जाता है, तो यही क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस तो है नहीं, है एज अ स्टूडेंट। देखो मैं पहले रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर मैं गैस स्टेशन में काम करता था, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना वो फील्ड के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो वो आप जब भी फील्ड जॉब के लिए जाएंगे तो आप फ्रेशर की तरह ही होंगे। तो यही एक चीज़ है कि ये जो फील्ड की जॉब है ना वो आपके CV बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अभी देखो मैं फील्ड की जॉब में एज अ पार्ट टाइम हूँ, लेकिन जब मैं ये चीज़ अपने CV में डालूंगा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी कि भाई मैं फील्ड जॉब में हूँ, तो वो एज अ करियर प्रस्पेक्टिव वो बहुत आगे लेके जाएगी। तो हाँ, बस यही मेरे को शेयर करना था आपके साथ, और जॉब के रिलेटेड जो भी है ना वो आप नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, क्या करे, कैसे कैसे अप्रोच ले कोई स्टूडेंट अगर आया है नया, तो वो कैसे जॉब ढूंढे, अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, जो भी है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, और उस रील्स पे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट की थी, आप वीडियोस पे कमेंट करते हो, काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि भाई ये फील्ड जॉब मिली, मैं बहुत खुश हूँ, और आई गेस जिसको भी मिलती है बहुत खुश होता है। सो यस, मिलता है फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माई नेम इज़ अरुण।